नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंशिका जारवाल। यूपी के पुलिस विभाग में रिश्वतखोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। विजिलेंस टीम ने 15,000 रुपए की घूस लेते हुए एक हेड कांस्टेबल को दबोच लिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। हेड कांस्टेबल SP बाबू पूर्वा का पेशकार है। उसने दिव्यांग व्यक्ति से एक मामले में चार्जशीट फाइल करने के लिए रिश्वत मांगी थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वर्दी पहने हेड कांस्टेबल को विजिलेंस टीम घिसटते हुए ले जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिव्यांग रिंकू पासवान ने किदवई नगर थाने में मोना कश्यप, राजा कश्यप और समीर और राजा की पत्नी के खिलाफ SC ST एक्ट, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच ASP बाबू पूर्वा कर रहे थे। इस मामले में चार्जशीट लगवाने के लिए हेड कांस्टेबल शानवाज खान और योगेश कुमार ने पीड़ित से 20,000 रुपए मांगे। रिंकू ने गरीबी का हवाला दिया। इस पर 15,000 रुपए में घूस तय हुई। रिंकू ने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम से की, जिसके बाद अफसरों ने पुलिस कर्मियों को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। आप लोग भी देखिए उसकी वायरल वीडियो और कमेंट्स करके बताइए हमें अपने विचार।